अस्सलाम वालेकुम दीवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसमें कैनन का एक स्कैनर है, इस स्कैनर में क्या इशू है। ये स्कैनर है, इस स्कैनर को ये है कि ये बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा। और इसको चेक करने का तरीका बताऊँगा, इसको कैसे चेक करें अगर डेड अगर कंडीशन में होता है जो भी है। तो व्यूवर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरी वीडियो को पसंद किया और कमेंट्स में अपने फार्ट शेयर किए। और कई व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम टाइम ये होता है कि मैं आगे पीछे और काम में बिजी होता हूँ, किसी का जवाब नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है अतलवसा कि मैं सबके आंसर दे सकूँ जितनी कोशिश हो सकती है मेरी। और मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है मलक एहसान, वो भी मेरे साथ कोशिश में यही होता है कि कई दफ़ा मैं अगर बिजी हूँ तो मैं उसको कह देता हूँ कि वो उन कमेंट्स के आंसर दे सके। तो व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। ये एक स्कैनर है, स्कैनर को मैंने पावर लगाई है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। इसके ऑन ना होने की वजह क्या हो सकती है, क्या कुछ आप ये कैनन का ये मॉडल है इमेज फार्मूला DRM140। तो ये वाला स्कैनर अगर किसी मेरे फ्रेंड्स के पास या किसी मेरे भाई के पास या किसी दोस्त के पास हो, तो अगर उसमें कोई इस तरह का इशू आ जाए कि वो चलते चलते एकदम ऑन या आप ऑन करें तो ऑन ना हो, तो उसका क्या वजूहत हो सकती है, तो वो आप खुद भी इसको आराम से इजीली चेक कर सकते हैं जो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसमें ज़्यादातर यही होता है कि पावर बोर्ड में जो इसका फॉर्मेटर बोर्ड लगा होता है उसमें कोई इशू आ जाता है, जो भी सप्लाई फ्लक्चुएट होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे ओपन करते हैं और कैसे इसको क्लोज करते हैं और कैसे इसका फॉल्ट डायग्नोस करते हैं। इसका फॉर्मेटर कार्ड है, ये इसका फॉर्मेटर कार्ड है फ्रेंड। इसको अब ओपन कर रहे हैं, फॉर्मेटर कार्ड ओपन करके उसको चेक करेंगे कि ऑन ना होने की वजह क्या है। इसको ओपन कर लिया, इसकी केबल्स को आराम से आप डिसेबल कर लें, इसमें से केबलें उतार लें सारी। और आप इस फॉर्मेटर बोर्ड पे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे। ये है फॉर्मेटर बोर्ड, फॉर्मेटर बोर्ड का ये देखें, यहाँ पे आपका ये पावर कनेक्टर लगता है, पावर कनेक्टर के साथ ही बैक साइड पे ये एक फ्यूज़ लगा होता है छोटा सा। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी आप चेक करें तो इस पर सबसे पहले तो ये करें कि आप पहले तो अडाप्टर चेक कर लें, अडाप्टर में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप ये देख लें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं अडाप्टर तक तो अडाप्टर से आउटपुट जो आ रही है तो उसको कंफर्म कर लें कि उस पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो उस पर वोल्टेज ना आ रहे होंगे तो फिर तो आपका अडाप्टर ख़राब हो सकता है, अडाप्टर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर अडाप्टर भी आपका ठीक है तो उसके बाद फिर हम फॉर्मेटर बोर्ड पर आएंगे, फॉर्मेटर बोर्ड को चेक करेंगे कि इसमें क्या इशू हो सकता है। इस लिहाज से मैम नॉर्मल इस मीटर से कंटिन्यूटी चेक करूंगा इस फ्यूज़ की कि ये फ्यूज़ ओके है कि नहीं है। इसको मैंने कह लिया, ये देखें ये बीप दे रहा है। अब मैं इस फ्यूज़ को चेक करूंगा, फ्यूज़ आई थिंक काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक ज़रा भी बीप नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि इस फ्यूज़ को या तो आप एक और काम करें कि फ्लेक्सिबल केबल होती है या तो आप नॉर्मली उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये है कि इसके साथ का कोई और भी बोर्ड आपके पास जो डेड पड़े होते हैं या कोई इस तरह का बोर्ड देखें उसमें छोटा फ्यूज़ लगा होता है, वो फ्यूज़ आप उतार के इसमें लगा दें,
वो मैं अभी तो मैं इसका फिलहाल ये तरीकाकार करूँगा कि मेरे पास ये एक फ्लेक्सिबल केबल है छोटी, इसकी ये देखें ये काफ़ी सारी पिन्स होती हैं, इसकी में से एक केबल अलग कर लूँगा एक स्लाइड्स को, इसको अलग करके इसको मैं इसके साथ लगा दूँगा, इसको जंप कर दूँगा ताकि ये है कि हमारी कंटिन्यूटी उसमें से बराबर हो सके। ये मैंने जंप कर दिया, इसको फ्यूज़ को मैंने बाईपास कर दिया, लेकिन ये है कि इस केबल की वजह से अगर फिर भी नेक्स्ट टाइम भी कभी फ्लक्चुएशन होती है या कोई पावर सप्लाई का मसला आता है तो ये दोबारा से केबल डिसेबल हो जाएगी, कि ये इतनी नरम केबल है, इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल ये लगा के अब इसको दोबारा से बंद करके इसको हम चेक करते हैं। ये जो केबल हमने डिसेबल्स की थी उन सब केबल्स को हम दोबारा से प्लग इन कर रहे हैं आराम से। आप ध्यान से सारी केबलों को प्लग इन एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से कर लें, करने के बाद फिर हम इसको स्कैनर को बंद करके फिर चेक करते हैं। टॉप कवर का पैनल है, इसको हम लगा लें, लगाने के बाद इसका टॉप कवर हम क्लोज करेंगे। ये कंप्लीट बंद हो चुका है, अब इसको पावर लगा के हम चेक करेंगे। ये स्कैनर ऑन हो गया है। अब ये स्कैनर में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट इसका यही था कि ये डेड हो गया था, चलते चलते ऑफ हो गया था। ऑफ होने के बाद जो इसका तरीक़ाकार था, जो इसका चेक करने का तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो व्यूअर ये था एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो मेरे फ्रेंड्स नए काम करने वाले हैं या जो घर में यूज़ करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट, तो स्कैनर कोई भी हो जैसा भी हो तो उसको चेक करने का तरीक़ाकार सेम यही होता है कि पहले सबसे पहले तो आप तो पावर चेक करेंगे, पावर आपके अडाप्टर में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपका अडाप्टर में पावर आ रही है उसके बाद आप उसके आउटपुट है आउटपुट के वोल्टेज चेक कर लें कि उनमें प्रॉपर डीसी वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर इनमें आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसका फार्मेटर बोर्ड रह जाता है जिसको आप लास्ट चेक करेंगे। जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया चेक करने का तरीका बताया कि उसमें ज़्यादातर यही होता है कि फ्यूज़ लगा होता है, उस फ्यूज़ को आप चेक करें, अगर फ्यूज़ वो डिसेबल है तो उसको एनेबल करना होता है, उसको एनेबल करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो व्यूवर्स इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी किस्म की आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है या आपके पास कोई इस तरह का कोई आइटम है या कोई डिवाइसेज हैं जो आप लोगों को नहीं समझ आ रही या कोई इशू आ रहा है, तो आप मेरे साथ कमेंट्स में वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट मेरे पास अगर वो पार्ट्स में मंगवा के या उसमें किसी किस्म का कोई इशू होता है तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकूँ। तो व्यूवर्स इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।